हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर की फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट एक्सरसाइज को। और इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें यूक्लिड एल्गोरिथम को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले यूक्लिड एल्गोरिथम को समझते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर हमें हर चीज़ को समझना है। यूक्लिड ने ए को क्या माना है, बी को क्या, सी क्यू और आर, इन सब चीज़ों का मीन्स क्या है। अकॉर्डिंग यूक्लिड एल्गोरिथम ए इजकल टू होता है डिविडेंड। ए इजकल टू डिविडेंड, बी इजकल टू डिवाइजर, क्यू इजकल टू क्वोशेंट, आर इजकल टू रिमाइंडर। इन सब वर्ड्स का मीनिंग ये है, इनका मतलब ये है ए ए बी क्यू आर। लिखते किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में। जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले सबसे ये देखा जाता है सबसे पहले कि दोनों जो भी उसने डिजिट दी है उनमें ग्रेटर कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है। अब जो स्मॉलर होती है वो तो आपकी बन जाती है डिविजर, और जो ग्रेटर हो जाती होती है वो बन जाती है आपका डिविडेंड। बाकी जो बचता है कोशेंट और रिमाइंडर, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग बनता है। मतलब जो आपका आंसर आता है, भागफल आता है, वो आपका बन जाता है कोशेंट, और जो आपका शेषफल बच जाता है वो आपका बन जाता है रिमाइंडर। तो आइए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पर। और फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 135 और 225 ये है। और क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, क्या क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए कहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग टू फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के तीनों पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 135 और 225। तो दो यहाँ डिजिट है, दोनों डिजिट में सबसे पहले हमें कंपेयर करना है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो जब हम कंपेयर करते हैं, छोटी 135 है किससे, 225 से, और 135 क्या बन गया इसमें डिवाइजर, और 225 क्या बन गया आपस में डिविडेंड। मतलब हम 225 को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, और जब हम डिवाइड करते हैं तो सोल्व करने के डिवाइड करेंगे तो 135 बन जा 35। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 5 गया 0, 12 यहाँ से कैरी लिया 1 बन गया 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच गया था आपका 1, 1 में से 1 गया तो बचता आपका 0। अब यहाँ पर क्या है, 90 आपका रिमाइंडर है, और इसको लिखते कैसे, मेंशन कहते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लिखते क्या है आपका यहाँ पर डिविडेंड क्या है आपका 225 जो हमने यहाँ पर लिखा था इजिकल टू, आपका यहाँ डिविजर क्या है 135। अब यहाँ पर कोसेंट क्या है 1 और रिमाइंडर क्या बन गया आपका 0। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि अभी आपका क्या है रिमाइंडर है, और तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है जब तक आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं हो जाएगा। तब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 90 तो बन गया आपका डिविजन, 135 बन गया आपका डिविडेंड, और जब इससे इसको डिवाइड करते हैं 90 बन जा 90, क्या बचता है आपका यहाँ पे 0 में से 5 को निकालेंगे तो 5, 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पर अब आपका क्या बच जाता है रिमाइंडर 45 और डिविजर आपका 90, डिविडेंड आपका 135। तो अगेन क्या लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, तो 135 तो आपका बन गया रिमाइंडर डिविडेंड, 90 बन गया आपका कोशेंट डिवाइजर, और 1 आपका है कोशेंट, और प्लस 45 आपका रिमाइंडर।
अब यहाँ पर फिर रिमाइंडर क्या है, ये सेकंड स्टेप या फर्स्ट स्टेप आपका बन जाता है या सेकंड स्टेप आपका बन जाता है, और थर्ड स्टेप क्या होता है, 45 आपका क्या है डिवाइजर है और 90 क्या आपका डिविडेंड। और जब 45 को 90 को 45 से डिवाइड करते हैं तो 45 टू जा 90 और यहाँ क्या आपका बच गया रिमाइंडर जीरो। तो लिखेंगे कैसे इसको, अगेन हम वही करके अगेन हम लिखते हैं इसके कैसे, 90 क्या बन जाता है आपका, ये 90 क्या बन गया आपका डिविडेंड, 45 क्या है आपका डिवाइजर, ये डिवाइजर है, कोशेंट क्या है आपका 2 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आपका 0। अब जब जब आपका यहाँ पर 0 आ जाता है तो वो आपका फाइनल स्टेप माना जाता है और उसी फाइनल स्टेप में आपका एचएफ निकल जाता है। एचएफ किससे कौन सा माना जाता है, जिससे आपको डिवाइड करके 0 आया है। तो दस हम क्या लिखते हैं इस प्रकार, हमारा एचसीएफ क्या था, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इजकल टू 45, ये आपका आंसर बन जाता है। एक बार फिर देखेगा क्वेश्चन में कहा है इसने कि यूक्लिड एल्गोरिथम को, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रयोग करते हुए इन सब का एचसीएफ फाइंड करो। तो यूक्लिड एल्गोरिथम को हम प्रयोग करते हैं जब क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के पहले क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 135 और 225 इसने दिया है, 225 क्या आपका बड़ा है किससे, 135 से। अब इसमें 225 क्या बन गया आपका डिविडेंड, जो बड़ी संख्या वो डिविडेंड होती है हमेशा, जो छोटी संख्या वो आपका डिविजर होती है। अब जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, 225 को 135 से जब हम डिवाइड करते हैं, हम क्या देख रहे हैं, 135 और हमारा रिमाइंडर क्या बचता है आपका 90। लिखेंगे इस फर्स्ट स्टेप को कैसे, ऐसे 225 इक्वल टू 135 आपका क्या है डिविजर है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 आपका क्या है रिमाइंडर। अगला जो स्टेप बन जाता है, ये जो रिमाइंडर है इससे 135 को डिवाइड करेंगे, 90 बन जाए 90, रिमाइंडर क्या बन जाता है आपका 45। अब जो थर्ड स्टेप बन जाता है फिर क्या करता है, ये 45 हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, 45 टू जाए क्या बन जाता है 90। अब 45 से ही 90 को डिवाइड करने से 0 आ जाता है, तो इस प्रकार आपका एचसीएफ भी क्या बन गया 45 ही बन जाता है। तो फाइनल जो आंसर है आपका वो 45 है। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज सेकंड पार्ट पर हम बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का सेकंड पार्ट इसने क्या दिया है, 196 एंड 38,220। वही हम जब देखते हैं इसमें तो 196 क्या है स्मॉलर है, 38,220 क्या है इसमें ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर है वो आपका क्या बन गया डिविडेंड, स्मॉलर है क्या बन गया आपका डिवाइजर। और अब क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको डिवाइड करना है क्योंकि डिजिट आपको बड़ी लग रही है। देखो 19 और यहाँ पहली दो संख्या देखते हैं 19 है, यहाँ पहली दो संख्या देखते हैं 38 है, अगर हम 2 टाइम्स इसको पढ़े तो 98 टू जाए ज़्यादा हो जाएगा, तो 98 वन जे ही रखो, 98 वन जा 196। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, माइनस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 2 है तो कैरी कैश नहीं, इससे कैरी लिया 1 12 होगा, 12 में से 6 का क्या बचता आपका 6, यहाँ पर क्या बच गया था आपका 7 नीचे है 9 नहीं माइनस होता तो यहाँ से क्या लिया कैरी 1 17 हो गया, 17 में से जब 9 को माइनस करते हो तो क्या बचता आपका 8, यहाँ पर बच गया था आपका 2 में से 1 को माइनस करते हो तो बचता आपका 1। नेक्स्ट डिजिट अभी क्या है आपकी 2, अब इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब जब इसकी टेबल हम इस पर पढ़ते हैं, अब आपका बन गया 1862 आपका बन जाता है, और यहाँ इसको किससे डिवाइड करना है 196 से, जब 196 के इसको डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा है 19, यहाँ अगर 19 10 टाइम्स हम इसको पढ़े तो 19 की 10 में मल्टीप्लाई करें तो 19 के आसपास, मीन्स ये इसकी टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ लेंगे, 96 या 54 कैरी आपका 5, 99 या 81 और 586
कैरी आपका 8, 9 1 9 और 8, 17। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या बचता है आपका, यहाँ से 12, यहाँ से एक कैरी ले लेते हैं, 12 हो गया, 12 में से 4 का 8, यहाँ बचता आपका 5, 1 इससे कैरी लिया तो क्या बच गया 15, यहाँ बच गया आपका 9, 7, 7 में से 7 गया आपका 0, कुछ नहीं बचता, यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट डिजिट आपकी क्या बन जाती है, 0, तो उस 0 को आपको क्या उतारना है यहाँ पे, अब बन गया आपका 196, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, 5, 6, 30 क्या बच गया आपका 3, 5, 9, 45 और 3, 48 क्या कैरी बच गया आपका 4, 5, 1, 5 और 4, 9। तो जब हम देखते हैं, हम इसको इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में ही ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम इसको डिवाइड करते जाते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या बचता है, 0। हमेशा ध्यान रखना है रिमाइंडर क्या होता है, लास्ट में जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं रहती तो लास्ट में हमेशा इस संख्या से छोटा ही वैल्यू यहाँ पर मिलती है, उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या बन गया यहाँ, डिविडेंड आपका क्या है 38,220 इक्वल टू, डिवाइजर क्या बना था 196 और कोसेंट क्या आपका 195 और रिमाइंडर क्या बचता आपका 0। तो एच सी एफ क्या हुआ यहाँ पर, द एच सी एफ ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल टू क्या आ गया 196, यही आपका आंसर बन जाता है। जहाँ तक उम्मीद है समझ आया, और अगर समझ नहीं आया तो दोबारा फिर लेते हैं, फिर क्या देखते हैं हम दोबारा फिर लेते हैं, क्या होता है कि 38,220 ग्रेटर है किससे 196 से, जब 196 से 38,220 को डिवाइड करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं 196 क्या बचता आपका ये 1862 आपका बच जाता है, 9 टाइम्स इसको डिवाइड टेबल पढ़ते हैं तो ये आ गया आपका, फिर आपका रिमाइंडर बचता है 92, 98, यहाँ क्या अगली डिजिट क्या आपके 0 उतारते हैं, 5 टाइम्स इसकी टेबल पढ़ते हैं तो ये आ जाता है 980, तो यहाँ क्या बच जाता है आपका 0। इस प्रकार सेकेंड पार्ट के का जो आंसर आता है 196 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। अब आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, ये मैंने रब कर दिया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब इसका थर्ड पार्ट हम लेते हैं, हम थर्ड पार्ट में क्या है 866 एंड 255, वही हम देखेंगे, हम जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी है 867, ये क्या आपका डिविडेंट है, बड़ी संख्या हमेशा डिविडेंट होती है, 255 आपका क्या है डिवाइजर है। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम डिवाइड करेंगे, 867 को 255 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होता है, डिवाइड कीजिए 3 से 3, 5 जै 15 कैरी 1, 3, 5 जै 15 1, 6 3, 2 जै 6 और 1, 7। जब हम इसको माइनस कर दिया 7 में से 5 गया 2, 6 में से 0, यहाँ क्या बचता आपका 1। अब फर्स्ट स्टेप में हम उसी तरह से हम फॉलो करेंगे यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या होता है डिविडेंड क्या आपका 867 इजगल टू, डिविजर क्या है 2 आपका 255, कोसेंट क्या आपका 3 और रिमाइंडर क्या आपका 102। अब सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या 255 आपका डिविडेंड है और 102 आपका क्या है डिविजर है, 2 टाइम्स इसकी टेबल पढ़ते हैं 2, 2 जै 4 0, 2, 1 जै 2 क्या बचता है आपका यहाँ पर रिमाइंडर 5 में से जब 4 को माइनस करते हैं तो 1 और यहाँ क्या बचता है आपका 5। तो सेकंड स्टेप में क्या हमें प्राप्त होता है, सेकंड स्टेप हमारे लिए 255 आपका डिविडेंड है और 102 क्या आपका डिवाइजर है
और 2 आपका क्या है कोशेंट है, और 51 क्या आपका रिमाइंडर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में 51 रिमाइंडर मिल रहा है, तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, 51 आपका क्या होगा डिवाइजर होगा और 102 आपका डिविडेंट हो गया। जब हम इसकी टेबल पढ़ते हैं 2 टाइम्स 2 वन जै 2 टू 5 जै 10 तो कितना आ गया 0। तो थर्ड स्टेप में आप आपको देख रहे हैं कि थर्ड स्टेप में 51 से 102 को डिवाइड करने से क्या आता है आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे अगेन डिविडेंड आपका 102 है, डिवाइजर आपका 51 है मल्टीप्लाई में 2 और रिमाइंडर आपका क्या आता है 0। तो किससे डिवाइड करने से आपका 0 आ रहा है 51 से, इस प्रकार हम लिखते हैं। तो द एच सी एफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट